Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter Going Places. हम लोगों ने previous video में इस chapter के story में उस जगह पे हम लोग थे जहाँ Jhansi एक बार फिर से story में आती है और वो सोफ़ी से मिलने उसके घर आई थी। आते ही Jhansi सोफ़ी से सवाल पूछती है कि सोफ़ी ये तुम क्या कौन सी बात ये तुम लोगों को बताते चल रही हो। सोफ़ी रिप्लाई करती है कि किस बारे में कौन सी बात। तो Jhansi बोलती है कि सोफ़ी के भाई जॉफ ने Jhansi के भाई फ्रैंक को बता दिया जो सोफ़ी ने अपने भाई को बताया था वो Jhansi के भाई को बता दिया और Jhansi के भाई फ्रैंक ने Jhansi को बताया। तब उस बात को पूछने के लिए Jhansi आई हुई है सोफ़ी के पास उस मुद्दे पर कन्वर्सेशन करने के लिए कि ये बात जो है जो तुम बोल रही हो कि तुम Danny कैसे से मिली थी ऐसा ऐसा तो इस बारे में वो बात करने के लिए आती है। सोफ़ी का रिएक्शन हम लोग देख रहे थे लास्ट क्लास प्रीवियस क्लास जो था कि सोफ़ी को जब पता चलता है कि Jhansi को उसके कहानी के बारे में पता चल गया है तो सोफ़ी का इनिशियल रिएक्शन है ना शुरुआती रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड स्टार्टल्ड यहीं पर हम बता रहे थे स्टार्टल्ड हो जाती है वो। अब स्टार्टल्ड वर्ड का दो मीनिंग मिलता जुलता निकलता है यहाँ पे एक है सरप्राइज्ड और दूसरा है वरीड सरप्राइजिंगली वरीड मतलब कि सोफ़ी को जब ये बात पता चला कि Jhansi जान गई है तो सोफ़ी सरप्राइज्ड भी हुई और वरीड भी हुई स्टार्टल्ड मतलब चिंतित भी हुई कि ये बात Jhansi को पता चला। फिर वो एक्सेप्ट करती है ओ दैट वो बोलती है कि अच्छा वो वाला बात जो मैंने जॉफ को बताया था। Jhansi फ्राउंड फ्राउंड मतलब होता है एंग्री है ना गुस्सा हो जाना। Jhansi को लगा कि सोफ़ी बात को टाल रही है ये जो लाइन सोफ़ी बोलती ना दो वर्ड्स ओ दैट तो ये सुनकर के Jhansi को लगा कि सोफ़ी उसकी बात को टाल रही है और उससे कुछ छुपा रही है। तो Jhansi थोड़ा गुस्सा हो जाती है कि वो कुछ छुपा रही है सोफ़ी और बोलती है यस दैट बोलती कि हाँ हाँ उसी बात के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो फिर सोफ़ी एक्सेप्ट करती है वेल यस आई डिड सोफ़ी एक सेंटेंस में Jhansi के सामने एक्सेप्ट करती है कि हाँ मैं मिली थी Danny कैसे से। अब ये बात जब सोफ़ी के मुंह से Jhansi सुनती है कि हाँ मैं मिली थी Danny कैसे से तो Jhansi का इनिशियल रिएक्शन क्या है। Jhansi बोलती है यू नेवर डिड Jhansi एक्सक्लेम्ड Jhansi बोलती है कि तुम कभी नहीं मिली हो मतलब कि Jhansi को भी ये बिलीव नहीं हो रहा है कि सोफ़ी Danny कैसे से मिली है। वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती है यू नेवर डिड Jhansi एक्सक्लेम्ड Jhansi बोलती है नहीं तुम कभी नहीं मिली हो। सोफ़ी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड ग्लेयर्ड वर्ड है ग्लेयर्ड इसका मतलब होता है घूरना मतलब एकटक कहीं नज़र रखना
ठीक है, घूरना जिसको हम लोग बोलते हैं, देखना, घूरते हुए देखना। तो जब जैंसी बोलती है यू नेवर डिड, कि तुम कभी नहीं मिली थी उससे, झूठ बोल रही हो तुम, तो सोफ़ी जो है वो नीचे देखने लगती है, मतलब सिर झुका करके और आंखें नीचे, ग्राउंड पे रहता है फोकस उसका। और वो मन में ही मन कुछ सोचती है इस बारे में, जो जैंसी को पता चला है उस बारे में। जॉफ ने जो बताया जैंसी के भाई फ्रैंक को उस बारे में, सोफ़ी जो है वो ग्राउंड नीचे, ग्राउंड की तरफ स्टेयर करती है और सोचती है, डैम दैट जॉफ, दिस वॉज अ जॉफ थिंग नॉट अ जैंसी थिंग। क्या सोचती है, पहला सेंटेंस, डैम दैट जॉफ। डैम वर्ड यहाँ देख रहे हो, डी ए एम एन, डैम मतलब इंग्लिश में ये नेगेटिव वर्ड के रूप में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और एक तरह से हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, किसी के बारे में किसी को कोसते हुए कुछ बोलना, ठीक है, वो वहाँ प्रेजेंट नहीं हो और आप किसी के सामने उसको कोस रहे हो, है ना, उसके उसकी बुराइयाँ हैं, तो डैम वर्ड यहाँ पे यूज़ की है। और सोफ़ी सोच रही है जॉफ के बारे में, दिस वॉज अ जॉफ थिंग नॉट अ जैंसी थिंग, कि जो बात मैंने बताई थी अपने और डैनी कैसे के मुलाकात के बारे में, वो बात जॉफ के लायक थी, जॉफ को बताने लायक थी, जैंसी को बताने लायक वो बात नहीं थी। मतलब जॉफ और जैंसी दोनों जो हैं वो, उनका नेचर जो है वो अलग अलग है। जॉफ का नेचर है साइलेंस रहना, शाई एंड साइलेंट, और जैंसी का नेचर है, एक हम लोग पढ़ चुके नोजी वर्ड, कि वो उसको किसी चीज़ के बारे में अगर भनक लग गया तो फिर वो उस चीज़ के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती है, नोजी थी जैंसी, ठीक है। तो जब सोफ़ी जो है वो ये जान जाती है कि जैंसी को पता चल गया, तो सोफ़ी जो है वो अपने मन में सोचती है कि जॉफ के बारे में, डैम जॉफ, कि ये बात जॉफ के जानने लायक थी, ये बात सोफ़ी, ये बात जैंसी के जानने लायक नहीं थी। इट वॉज मीन्ट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम। और सोफ़ी ये सोच रही है कि जो बात हम बताए थे अपने भाई जॉफ को, वो स्पेशल बात था जो सिर्फ उन दोनों के बीच ही रहना चाहिए था, समथिंग जस्ट बिटवीन देम, कि वो स्पेशल बात था, ए सीक्रेट था, और वो बात जॉफ तक ही रहना चाहिए था, आगे नहीं जाना चाहिए था, जॉफ को और किसी को नहीं बताना चाहिए था ये बात, समथिंग सीक्रेट, कि वो सीक्रेट बात था। इट वॉज नॉट अ जैंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, और ये सीक्रेट जो है वो जैंसी के जानने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। अभी जैंसी के कैरेक्टर के बारे में, स्वभाव के बारे में नोजी वर्ड एक पढ़े हम लोग टेक्स्ट में, नोज वर्ड से ही बना है, नोजी मतलब जिसको सूंघते रहने की आदत हो, हर जगह जा करके कुछ न कुछ किसी न किसी चीज़ के बारे में इंक्वायरी करेगा, इसी को मतलब सूंघना बोला गया है, कि हर चीज़ के बारे में कुछ न कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको जानकारी चाहिए,
10 तो सवाल पूछेगा, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, पूरा जानना चाहेगा। नोजी, ऐसी थी जैंसी। अब जैंसी के लिए दूसरा वर्ड यूज़ हो रहा है, यहाँ देखो गौकी, ये वर्ड। तो नोजी और गौकी ये दोनों वर्ड जो है ना, ये एक साथ यूज़ किए जा सकते हैं हाइफ़न के साथ। हाइफ़न बीच में दे देंगे। जैंसी जो थी वो नोजी थी और गौकी थी। इसको पढ़ना देखो, स्पेलिंग देखो, बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये दोनों, नोजी एंड गौकी। और ये किसको बोला गया है? जैंसी को बोला गया है। और इसका मतलब क्या होता है? नोजी मतलब तो बताए कि अगर कोई बात पता चला तो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना, सूंघने वाला जो बात है, बहुत सारा सवाल करना। और गौकी का मतलब होता है कि अगर आपको कोई सीक्रेट पता चल गया किसी के बारे में, तो आप उस सीक्रेट को अपने तक सीमित नहीं रखते हैं। किसी का स्वभाव होता है ये कि वो दूसरे लोगों को बताते चलता है किसी का सीक्रेट, अगर उसको पता चल गया तो बात को फैला देता है। ठीक है, अगर उसको कोई सीक्रेट पता चल गया तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों तक वो सीक्रेट चला जाएगा। जिसको हम लोग बोल चाल के भाषा में बोलते हैं ना कि कोई कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बात को पचाते हैं, अपने तक ही रखते हैं, और कुछ इंसान ऐसे होते हैं स्वभाव के जो किसी बात को पचा नहीं पाते, मतलब उनको अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं होता है जब तक वो बात 10-20 आदमी को बता ना दे, बात उनके पेट में पचता नहीं है। तो जैंसी के साथ ये गौकी वर्ड जो है ना, ये यही है बोलचाल की भाषा में कि जैंसी तो पहले नोजी तो थी ही, मतलब पहले तो जानना चाहती थी सीक्रेट, और प्रॉब्लम ये था कि सीक्रेट उसको जब पता चल जाता था तो फिर वो गौकी हो जाती थी। और गौकी होने का यहाँ एग्जांपल दिया है, टेल गौकी जैंसी, जैंसी को गौकी बोला गया, समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट। मतलब कि अगर आप जैंसी को किसी सीक्रेट के बारे में पता चल जाए, जैसे डैनी कैसे और सोफी के मीटिंग का सीक्रेट उसको पता चल गया, तो अब सोफ़ी को ये चिंता था, सोफ़ी इस बात से चिंतित थी कि जैंसी जो है उसको पता चलने का मतलब है होल नेबरहुड को पता चलना, मतलब पूरे आस पड़ोस को। नेबर बोलते हैं ना पड़ोसियों को, नेबर, होल मतलब सभी पड़ोसियों को, कि अगर ये बात जैंसी को पता चल गया है मेरा और डैनी कैसे का मीटिंग वाला बात, तो अब ये बात तो पूरे नेबरहुड में फैला देगी। इस बात का चिंता था सोफी को। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछता है कि सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि जैंसी को ये बात पता चले जो बात सोफ़ी ने जॉफ को बताया था। सोफ़ी क्यों नहीं चाहती थी ये बात, ये सवाल बहुत बार पूछता है और घुमा फिरा करके पूछेगा। तो इसका की वर्ड जो है आंसर में वो यही है, दो वर्ड्स हैं सिर्फ, उसे सेंटेंस अपने बनाते रहना है। नोजी और गौकी, यही दो की वर्ड्स हैं कि जैंसी नोजी और गौकी थी स्वभाव से, इसीलिए सोफ़ी नहीं चाहती थी कि जैंसी को ये बात पता चले। और अब तो सोफ़ी को जब ये पता चला कि जैंसी जान गई है, तो सोफ़ी थोड़ा वरीड भी थी, चिंतित भी थी, क्योंकि जो
जैंसी के जानने का मतलब था कि पूरा मोहल्ला अब जान जाएगा इस बात को। तो इस बात को लेकर के चिंता था सोफी को। जैंसी का नेचर जो है, ये दो वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट याद रखना, नोजी एंड गॉकी, और जो मीनिंग हम समझाएं, ठीक है, कि नोजी का अलग एक मीनिंग है, गॉकी का अलग एक मीनिंग है, और ये दोनों वर्ड जैंसी के लिए हैं। डैम दैट जॉब वॉज नथिंग सैक्रेड, और अपने मन ही मन सोफी जो है वो अपने बड़े भाई जॉफ को कोसती है, एक तरह से डैम वर्ड यूज़ करके अपने बड़े भाई को कोसती है कि उसने अच्छा नहीं किया ये बात फ्रैंक को बता करके, जिससे कि फिर ये बात जैंसी को पता चल गया है। और अब जैंसी को पता चल गया है तो जैंसी क्योंकि गौकी है तो ये बात अब पूरे नेबरहुड को पता चल जाएगा, पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा। ये सोच करके सोफी जो है वो अपने बड़े भाई जॉफ को मन ही मन, अपने मन में, अपने विचारों में कोसती है। ये लाइन दिखाता है, डैम दैट जॉफ वॉज नथिंग सैक्रेड, मतलब उसने ये अच्छा नहीं किया बता करके। ये हमारा टेक्स्ट का पार्ट था जहाँ पे जो शुरू हुआ था, जैंसी आई है मिलने के लिए सोफी से, और आने का मकसद पता चल जाता है जब वो सीधा सवाल पूछ देती है कि तुम लोगों को कौन सा बात बताते चल रही हो। जैंसी जानना चाहती थी, सोफी जानना चाहती थी कि क्या, किस बारे में बता पूछ रही है। तो जैंसी क्लियरली बोलती है कि तुम्हारे भाई जॉफ ने मेरे भाई फ्रैंक को बताया और मुझे उससे पता चला, और तुमने ये कहा है कि तुम डैनी कैसे से मिली थी। ये सुनकर के सोफी जो है वो घबरा भी जाती है और सरप्राइज्ड भी हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर जैंसी को ये बात पता चल गया तो जैंसी अपने स्वभाव के अनुसार ये बात अपने पेट में पचाएगी नहीं, बल्कि ये पूरे नेबरहुड में फैला देगी। और ये सब गलती किसकी थी? ये सब गलती थी जॉफ की, सोफी के बड़े भाई की। तो सोफी अपने बड़े भाई को मन ही मन कोसते रहती है कि जॉफ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये टेक्स्ट का पार्ट था। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, जो मैंने वर्बली बोला है वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ। कुछ कीवर्ड्स की पॉइंट्स होंगे तो मैं बताते जाता हूँ। जैंसी आई सोफी से मिलने और पूछा कि किस बारे में बोल रही है वो लोगों को। सोफी पूछी कि व्हाट शी टॉकिंग अबाउट, कि किस बात के बारे में वो पूछ रही है। तो जैंसी रिप्लाई दी कि जॉफ ने फ्रैंक को बोला कि सोफी डैनी कैसे से मिली है। जॉफ ने फ्रैंक को बोला कि सोफी डैनी कैसे से मिली है। फ्रैंक जो कि जैंसी का भाई था, और फिर फ्रैंक से जैंसी को पता चल गया कि सोफी डैनी कैसे से मिली है, ऐसा वो बताई है अपने भाई को। तो जैंसी वही पूछने के लिए आई है, पूरा खबर, पूरा कहानी, पूरा सीक्रेट जानने के लिए आई है। यहाँ लिखा है सोफी जो है सरप्राइज्ड और वरीड हो जाती है ये जान करके कि जैंसी को पता चल गया इस बारे में। शी थॉट दैट इट वॉज नॉट एन इंक्वायरी, इट वॉज बींग क्यूरियस इन अदर्स मैटर्स। सोफी ये जानती थी कि ये जो सवाल है जैंसी का, ये इंक्वायरी नहीं है, ये है दूसरों के मामले में झांकना। ये भी एक स्वभाव होता है इंसान का, कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको दूसरों के मामले से कोई मतलब नहीं होता है, और कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो दूसरों के मामले में ही इंटरेस्ट लेते हैं। एक क्यूरियस वर्ड यूज़ किया है, जिज्ञासा होना, जिज्ञासु होना। तो सोफी जो है वो घबरा जाती है, सरप्राइज्ड हो जाती है ये जान करके कि जैंसी को पता चल गया है। और
ये कोई इंक्वायरी नहीं था जेएनसी के तरफ से, बल्कि ये उस सीक्रेट के बारे में और जानने की क्यूरियोसिटी थी और जिज्ञासा थी जेएनसी की कि और उस बारे में हम जाने मीटिंग के बारे में। शी ट्राइड टू अवॉइड आंसरिंग इट बाई सेइंग ओ दैट। सोफी जो है वो तो अवॉइड करना चाहती है उस बात को, मतलब वो उस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, तो अवॉइड करते हुए जेएनसी को बोलती है, अच्छा वो मीटिंग वाली बात। हाँ, जेएनसी गुस्सा हो जाती है, उसको लगता है कि सोफी जो है वो उससे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। जेएनसी जो है गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसको लगता है कि सोफी उससे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। सोफी रिप्लाइड दैट यस शी वॉज आस्किंग अबाउट, शी रिप्लाइड दैट यस शी वॉज आस्किंग अबाउट दैट। और वो जेएनसी जो है वो सोफी से, सोफी को थोड़ा ताना मारते हुए बोलती है कि हाँ मैं उसी चीज़ के बारे में पूछ रही हूँ, मतलब तुम्हारे और डैनी कैसे के मुलाकात के बारे में पूछ रही हूँ। सोफी एक्सेप्ट करती है कि वो डैनी कैसे से मिली थी, ठीक है। जेएनसी सरप्राइज्ड होती है ये जान करके, लेकिन बिलीव नहीं करती है। अभी तक सोफी ने ये बात अपने भाई जॉफ को बताया, उसने भी यकीन नहीं किया। फादर को बता दिया था जॉफ ने, फादर ने भी यकीन नहीं किया कि ये मिली है डैनी कैसे से। और अब ये बात जब जेएनसी को पता चला है, जो सोफी की दोस्त है, तो सरप्राइज ज़रूर होती है जेएनसी, बट कुड नॉट बिलीव, लेकिन उसको यकीन नहीं होता है कि सोफ़ी सही में डैनी कैसे से मिली है। अब सोफ़ी जो है वो ग्राउंड के तरफ देखते रहती है, लुक्ड एट द ग्राउंड, जो स्टेयर्ड वर्ड यूज़ किया था। और अब वो सोच रही थी, नाउ शी अंडरस्टूड, अब वो जान गई कि जेएनसी हैड कम टू नो बिकॉज ऑफ जॉफ, कि सारी गलती जॉफ की है ना। सोफ़ी के मन में मन ही मन वो जॉफ को कोसती है, सारी गलती जॉफ की है, क्योंकि जॉफ ने फ्रैंक को बताया और फ्रैंक ने फिर जेएनसी को बताया। हर मीटिंग विद डैनी कैसे वॉज सपोज टू बी अ स्पेशल थिंग बिटवीन जॉफ एंड सोफ़ी। सोफ़ी ये चाहती थी कि उसका जो मीटिंग है डैनी कैसे के साथ, वो जो बात उसने बताया अपने भाई को, वो स्पेशल बात थी, वो स्पेशल बात सीक्रेट थी जो एक ट्रस्ट के साथ बताया जाता है, विश्वास के साथ किसी को बताया जाता है कि वो आगे इस बात को और नहीं पहुंचाएगा। तो सोफ़ी ट्रस्ट करके बोली कि स्पेशल थिंग था जो जॉफ और सोफ़ी के बीच ही रहना चाहिए था। इट वॉज टू बी अ सीक्रेट, वो सीक्रेट रहना चाहिए था, बट जॉफ हैड टोल्ड फ्रैंक एंड फ्रैंक टोल्ड जेएनसी। लेकिन सीक्रेट अब रहा नहीं, जॉफ जो है फ्रैंक को बता दिया, फ्रैंक जो है वो जेएनसी को बता दिया। अब सोफ़ी जो है वो कंक्लूड करती है, मतलब अपने सोच विचार में ही है, थिंकिंग में ही है, इट वॉज नॉट अ फॉल्ट ऑफ जेएनसी, कि जेएनसी की गलती तो है नहीं कुछ। जेएनसी को तो तब पता चला जब मेरे भाई ने उसके भाई को बताया, तो जेएनसी हैज नो फॉल्ट, ठीक है। बट इफ यू टेल एनीथिंग टू जेएनसी, अगर आप किसी चीज को जेएनसी को बता देते हैं कोई चीज, देन एवरीबडी विल कम टू नो अबाउट इट, तो जेएनसी उस बात को फैला देती है, जो गॉकी होना लिखा हुआ है। शी डिड नॉट हैव डिसिप्लिन इन दिस मैटर, मतलब कि जेएनसी जो है वो सेंसिबल गर्ल तो है, रियलिटी में तो रहती है, लेकिन सीक्रेट पचाने में, बात पचाने में जेएनसी अच्छी नहीं है इस मामले में, ठीक है। और सोफ़ी जो है वो अपने भाई को कर्स्ड करती है, जो डैम वर्ड यूज़ किया था ना टेक्स्ट में, DAMN, उसको यहाँ कर्स्ड लिखा हुआ है। वैसे तो ये जो कर्स्ड लिखा हुआ है, इसका
लिटरल मीनिंग हो जाता है श्राप देना, श्राप। लेकिन यहाँ सोफी श्राप नहीं दे रही है, यहाँ पर इसका मीनिंग निकल रहा है कि सोफी मन ही मन अपने भाई जॉफ को कोस रही है। बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि सोफी मन ही मन अपने भाई जॉफ को गाली दे रही है कि उसने उसके सीक्रेट को सीक्रेट नहीं रखा। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं और इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।